अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे का दिन बहुत ही एक्साइटिंग होता है क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड कॉल और दो दिन की छुट्टी होती है, तो वीकेंड के बड़े प्लान होते हैं और हम 5 दिन डेस्परेटली वेट कर रहे हैं फ्राइडे के आने का। और एक और एक्साइटमेंट ये होती है कि हम हर फ्राइडे लंच पे बाहर जा रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो आज का भी हमारा ऑब्वियसली एक प्लान है लंच का और हम कहाँ जाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइस, लंच का हमारा जो वेन्यू है वो डिसाइड हो चुका है, 8 OZ Burger जो कि लोकेटेड है DHA Phase 6 में। तो चीज, चिकन और बीफ लवर्स आ जाओ फटाफट 8 OZ Burger क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली है आपको बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी। मौसम बहुत ही अच्छा था और वी वर ऑन द वे क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका था, तो हम झटपट 8 OZ जाने की तैयारी कर रहे थे। सामा, आपने कौन सा बर्गर ऑर्डर किया है? मशरूम मैंने किया है जो कि बीफ पैटी के ऊपर है। और मैंने कंट्री स्मोक बर्गर है जो कि ग्रिल चिकन है। अभी हम लोग गाइस खयाबाने हाफिज मेंटर हो चुके हैं और स्ट्रीट्स यहाँ की बहुत ज़बरदस्त हैं। लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बहुत अच्छा है कि रात में बंदा निकले और यहाँ पे बड़ा स्मूथ आपको फील हो बुखारी कमर्शियल एरिया। अभी 1 मिनट दिखा रहे, 2 मिनट दिखा रहा है, 2 मिनट दिखा रहे हैं, गलियों में थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। तो जी, फाइनली हमारा वेट इज़ ओवर और हम 8 OZ Burger पहुँच गए। और अब देखना यह है कि जितनी ज़्यादा इनकी हाइप क्रिएट हुई हुई थी, क्या बर्गर वाकई ऐसे हैं या नहीं, तो आई विल शेयर द रिव्यूज। डैम, जस्ट लुक एट दिस हेवन, ओ माई गॉड, माई कंट्री स्मोक चिकन बर्गर इज हेयर। मेरा यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है और ये मेरी मैंडेटरी मरिंडा ऑल टाइम फेवरेट। ये रहा जो फ्राइज और कंट्री स्मोक बर्गर है, ये ग्रिल्ड इसके साथ चिकन है, पेटी है, चीज़ है, फ्राइज उनके बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और फिर फ्राइज ट्राई करते हैं। फ्राइज अच्छे हैं, डिफरेंट ना, लाइट है। ग्रिल पेटी में अगर खाना चाहे तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है, सर्विंग बहुत अच्छी है। मैंने बाकी बर्गर से दिखाया, मैं ये वाला ट्राई कर लेता हूँ पहले, लुक सो यम्मी। बहुत मज़े का, बहुत सॉसी है और आई गेस यू शुड ट्राई। मैं सब दिल चाह रहा हूँ पूरा कंप्लीट फिनिश करूँ और उसके बाद कुछ रिव्यू दूँ, बट बहुत मज़े का। इतना ज़बरदस्त बर्गर, यानी कि इतना जूसी बर्गर था कि मैं सिर्फ अपने फूड को एंजॉय कर रहा था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत चीज़ी था और चिकन पेटी तो ऑसम। इट वॉज बिट मैसी बट इसी में तो मज़ा है। हाँ जी, तो फिर मैंने ट्राई किया इनका कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर कि बहुत ही सॉसी था। कोरियन सॉस करा हुआ है, क्रिस्पी चिकन है, चीज़ है और ये काफ़ी बिग इन साइज है। डिफरेंट जिसमें क्रंच है और क्रिस्पी चिकन है, अदर देन दैट चीज़ वगैरह है और कोरियन सॉस वगैरह है। टू वेज कैन ट्राई, जिनको पसंद हो, बट मुझे हमेशा ग्रिल चिकन पसंद है तो मैंने वो ट्राई किया। कैसा रहा भाई बर्गर? तो काफ़ी अमी था, सॉसी अभी तक हाथ साफ कर रहे हैं और मुँह साफ बड़ी मुश्किलों से किया है, बर्गर संभालना ज़्यादा पड़ रहा था और बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ रही थी, लेकिन टेस्ट वॉज फैंटास्टिक। दोनों बीफ और चिकन मैंने ट्राई किया, तो बीफ बड़ा अच्छा जूसी था और चिकन के अंदर क्रंच बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा था। आई रेकमेंड डेफिनेटली 8 OZ आप जरूर ट्राई करें, बड़ा मज़ा आया। वी आर डन विद द फूड और अब जाने के कहने हैं। ये ले चाबी अंबर।
गाड़ी में आ गए हैं नया ड्राइवर अंबर जी गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और हाँ शेजारनी तो अंबर ड्राइव कर रही हैं और हम तो यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग जल्दी फ्री हो गए, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा वेट करो। ये फार्मा के और बरिश्मा गाड़ी में निकल रहे हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं। एक बहुत फनी सीन हो गया था अभी, लेकिन आई कैन शेयर, वो हमारा पर्सनल मैटर। सो गाइस, वी आर हेडिंग टूवर्ड ऑफिस और यहाँ मर्जी माशाल्लाह गाड़ी चला रही है। सो गाइस, आज के दिन यहाँ पे एंड होता है और एक छोटा सा हमारा ये मिनी व्लॉग था, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर थे। आई मस्ट से कि प्लीज़ ट्राई करें और इंशाल्लाह आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियोस। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।